हम लोगों ने दिल्ली में लाखों की तादाद में किसानों को आते देखा है, प्रदर्शन करते देखा है, आंदोलन करते देखा है, लाखों की तादाद में मजदूरों ने रैलियां निकाली हैं दिल्ली में। उन्हें इस तरह से रोका टोका कभी नहीं गया। पिछली बार भी सरकार ने उनको रोकने की पूरी कोशिश की, हर तरह की तिकड़में लगाई, ताकत का इस्तेमाल किया, और अब इस बार तो एक कदम और आगे चली है। आंसू गैस के गोले ड्रोन से बरसा रही है, रबर की गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है, बाड़ेबंदी की गई है, छावनी बना दी। ये क्या एक डेमोक्रेटिक सरकार का लक्षण है? ये किस तरह की सरकार है जो अपने ही नागरिकों के साथ इस तरह से पेश आ रही है? देखिए, दो तरह के आंदोलन होते हैं। एक जैसे कोई रैली आपने निकाल ली, रामलीला ग्राउंड में निकाल दिया, कहीं भी निकाल दिया जैसे, और एक होती है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहां से हटेंगे नहीं। जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था, वो बैठ गए तो बैठ गए। या पिछली बार किसानों का आंदोलन था कि आपको किसान बिल वापस करने ही करने होंगे। तो ये भी इसी तरह का है। और सरकार, ये सरकार जो है, अभी पूर्णिमा जी ने कहा, ये सरकार हर उस व्यक्ति को क्रिमिनल मानती है जो उससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट पाना चाहता है। मतलब शॉर्ट टर्म तो ले लो, अच्छा आपको हम रोजगार नहीं दे सकते, चलो 80 करोड़ लोग तुम राशन ले लो, फ्री का राशन ले लो। क्योंकि इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट का जो एमएसपी क्या है, बेसिकली एमएसपी यह है कि किसान में फसल बो रहा है, फसल उगा रहा, बीज बो रहा, फसल उगा रहा, तो फसल जो है उसको एक कम से कम इतने प्राइस पे हम ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि किसान अब आपने उगाया और मान लिया डिमांड कम है, जो आढ़तिये हैं वो लोग कम से कम कीमत पे लेते हैं, वो लेंगे ही नहीं, आप कब तक अपने अनाज जो है सड़ाते रहोगे, आपको कम कीमत में बेचनी पड़ेगी। तो एक कम से कम मिनिमम प्राइस। और आश्चर्य की बात है कि स्वामीनाथन, ये सरकार जो है प्रतीकों में विश्वास करती है, वो इसको लगता है कि प्रतीकों से आधार पर हम वोट पा सकते हैं। राम मंदिर क्या है? प्रतीक है। माने अगर देश में अगर 80% हिंदू है, मान लिया 80% हिंदू है, उसमें आधी आबादी गरीब है, तो उस गरीबों के लिए हमको घर नहीं चाहिए, उसको रोजगार नहीं देना, कुछ नहीं देना, तो राम मंदिर दे दो, वो खुश हो जाती है। तो अगर एक 40% आबादी इस देश की, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब लोग हैं, वो सिर्फ राम मंदिर से खुश हो रहा है, तो उसको लग रहा है फिर हमको काहे को ये सब करना, रोजगार देना। तो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी हम बीजेपी की जानते हैं, वो बिल्कुल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, अपने जो दोस्त हैं साथी हैं कैपिटलिज्म, उसको सोशलिज्म का मतलब ही नहीं है। अब सेकुलरिज्म जो है प्रियम्बल में, उसको हटाने की बात हो रही है कि उसको हटा दो। तो ये मनसा वाचा कर्मणा पूंजीवाद के समर्थक है, हम बहुत शुरू से जानते हैं, दक्षिणपंथी है। इसीलिए वो किसानों को भी, जो 3 किसान बिल थे उसमें यही था कि पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ दो, यहां पर भी यही, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देगी तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी उसको खरीदना। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है, बनाने के लिए भी वो उन्हीं अंबानी और अडानी का भरोसे बैठी हुई है कि अंबानी अडानी तुम बनाओ गोदाम। जी तो इसलिए इसलिए ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये देने की स्थिति में है नहीं, इनके इरादे नहीं है। इनका शॉर्ट टर्म किसानों को 12,000 रुपया दे देगी, वोट के समय आप वोट दे दो, वोट के समय वो जैन चौधरी को खरीद लेगी, अपना 60 सीट ले लो और हमारे साथ आ जाओ, आप अपने जो जाटों के वोट हमको दे दो। तो ये जो है शॉर्ट टर्म तरीके इसके हैं चुनाव जीतने के और सत्ताएं बने रहने के, वही तरीके अभी भी अपना रही है। और जिस शॉर्ट टर्म का विरोध करेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहेगा, उसके ऊपर उसी तरह लाठियां और टीयर गैस गोले बरसाएंगे जैसे कि बरसा रहे। तो इसका कोई दोस्त नहीं है, दोस्त वही है जो छोटी शॉर्ट टर्म बेनिफिट से फायदा हो जाए, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट बात है, जो बाकी दीर्घकालीन उपाय चाहता है, वो इसके दोस्त नहीं है, उसके ऊपर वो दुश्मन की तरह ट्रीट करेगी, चाहे कश्मीर हो, चाहे किसान हो, चाहे झारखंड हो, कहीं भी हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।